गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को आप अपने डेली रूटीन में कैसे इंक्लूड करके आप अपने स्किन केयर और हेयर केयर को और बेहतर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट रेमेडी से। तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हेल्प करते हैं हमारे ब्लेमिश एंड डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में। सो आई विल बी यूजिंग 2 teaspoons ऑफ एलोवेरा जेल एंड उसके साथ मैं ऐड कर रहा हूँ ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बोल लो या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल हमें ज़्यादा नहीं यूज़ करना होता है या फिर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना होता है, हमें हमेशा कोई कैरियर ऑयल या फिर किसी अलग प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके अप्लाई करना होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 ingredients मिक्स करके हमारा जेल रेडी कर लिया है। ये आप हर दिन सोने से पहले अपने स्किन में मसाज करेंगे 2 minutes एंड देन फिर सोने जाना। पहले तो फेस वॉश अच्छे से कर लेंगे, देन मसाज करेंगे एंड धीरे धीरे 1 week के बाद यू विल सी विजिबल स्किन टेक्सचर में इम्प्रूव देखेंगे एंड 1 month में ही आप देखेंगे आपकी स्किन क्लियर हो रही है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेच मार्क्स क्योर करने का। तो आपको क्या करना है, आपका जो डेली बॉडी लोशन जो आप यूज़ करते हो उसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का 2 to 3 drops ऐड करके मिक्स करके अपने अफेक्टेड एरियाज़ में लगानी है। ये आप दिन में 2 बार फॉलो कर सकते हो या फिर अगर टाइम नहीं है तो रात को ज़रूर अप्लाई करना। सो नाइट में हमारी स्किन हीलिंग मोड में जाती है, तो वहाँ पर अगर आप ये वाला रेमेडी यूज़ करते हो तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा जल्दी हील करेगा। नाउ आवर थर्ड रेमेडी इज टू कीप योर नेल्स हेल्दी। हम दिन भर तो काम करते हैं, हमारे हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमारा नेल्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे नेल्स में फंगस वगैरह हो जाते हैं तो नेल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल के साथ मिक्स करके थोड़ा मसाज करो एंड यू कैन डू इट 3 to 4 times। ओके, सो नाउ हमारा मेजर इशू होता है हमेशा ही हेयर लॉस का, हेयर फॉल का, तो उसके लिए भी मैं सिंपल रेमेडी लाई हूँ, दैट इज़ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के साथ आपको मिक्स करना है स्वीट आलमंड ऑयल। जितना प्योर आप लोगे ना आलमंड ऑयल उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 to 3 tablespoons ऑफ स्वीट आलमंड ऑयल एंड उसके साथ 3 to 4 drops एसेंशियल ऑयल ऑफ रोजमेरी। उसको हम मिक्स करेंगे, चाहे तो आप थोड़ा इसको वार्म कर सकते हो या फिर जो स्टीमिंग मेथड होता है वो भी अप्लाई करोगे तो उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसको आपका स्कैल्प से लेके हेयर लेंथ तक पूरा अप्लाई करना है। स्कैल्प में तो हेयर ग्रोथ होगा, साथ ही साथ हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, साथ ही साथ आपकी जो हेयर जो लेंथ है ना वो बहुत सॉफ्ट लगेंगे एंड शाइनी भी बन जाएगी। 2 घंटे बाद हेयर वॉश कर लेना या फिर ओवरनाइट रख पाओगे तो और भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो देख ही सकते हैं हेयर में वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से ऐड होगा आपके। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रेमेडी, दैट इज़ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हेल्प्स इन ड्राई एंड चैपेक लिप्स ऑल्सो। ड्राई लिप्स की समस्या मुझे होती ही रहती है, तो उसके लिए आई हैव ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ लिप बाम्स एंड ऑल, बट ये रेमेडी ट्राई करके आई गॉट दी अल्टीमेट सोल्यूशन। तो यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस रेमेडी। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के साथ आलमंड ऑयल मिक्स करके रोज़ रात को लिप्स में लगानी पड़ेगी, मसाज करनी पड़ेगी एंड देन सो जाना। फिर अगले दिन ही ले देखना कि आपके लिप्स जो है सॉफ्ट बन गए हैं, साथ ही साथ लिप्स में जो लाइन्स क्रिएट हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से वो भी इनविजिबल हो गए हैं। तो दिस आर द रेमेडीज दैट यू कैन ट्राई विथ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो डेली इंक्लूड करो इस रेमेडी को एंड बी हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।